हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ योगेश और आज का ये वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़रूरी होने वाला है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर में भी कोई पर्सन है जो कनाडा जाके स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप उनके लिए ये वीडियो फॉरवर्ड करें, या फिर आप ये ध्यान से सुन लें सारी गाइडलाइन और ये सारी चीज़ें जाके उनको बता दें। तो अभी नियम है वो चेंज हो गए हैं क्योंकि 2021 इस साल में एक तो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो कनाडा है बड़ा सोच समझ के स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहा है, स्टूडेंट्स को वीज़ा दे रहा है। क्या क्या नियम चेंज हुए हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो सारा प्रोसेस अगर आप चाहे इंडिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं या और भी किसी कंट्री में रह रहे हैं, तो ये आपको नियम फॉलो करने हैं अगर आपको कनाडा में एज ए स्टूडेंट आना है। तो इन्होंने कुछ कॉलेज डिसाइड किए हैं, उन कॉलेज में ही आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे आना चाह रहा है तो इस वीडियो को उसको फॉरवर्ड करें, इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, अगर आप स्टडी के लिए कनाडा में आना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर कनाडा से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे दोस्तों में, ऐसे रिश्तेदारों में जिनको इस चीज़ से बेनिफिट हो सके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कनाडा में अगर आपको स्टडी के लिए आना है 2021 में। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो तो ऑब्वियस सी रिक्वायरमेंट है कि आप कनाडा में कनाडा में अभी नहीं रह रहे होने चाहिए। अगर आप कनाडा में रह रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे जाके अप्लाई कर दोगे, तो ये प्रोसेस है उनके लिए जो कनाडा से अभी बाहर हैं। तो फर्स्ट चीज़ है ये, तो ऑलमोस्ट एवरीवन जो यहाँ पे आना चाह रहा है इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो रहा होगा। सेकंड है कि आपको डेजिग्नेटेड कॉलेज हैं यहाँ पे, डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, केवल आप उनमें ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट किया जो उस लिस्ट में नहीं है, तो आप भले ही आप पूरा प्रोसेस करोगे तो वो आपका पूरा प्रोसेस बेकार है, किसी काम का नहीं है अगर आपका कॉलेज उस लिस्ट में से नहीं है। तो इसके लिए आपको कैसा पता चलेगा कि आपका कॉलेज उस लिस्ट में है या नहीं है, तो सबसे पहले तो आप प्रोविंस सेलेक्ट करो कि किस प्रोविंस में आपको जाना है ना। तो अगर वो प्रोविंस में 5-6 कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिए कि इन 5-6 कॉलेज में से किसी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, या फिर आप क्या कर सकते हो, प्रोविंस सेलेक्ट मत करो, कोई कोर्स सेलेक्ट कर लो कि ये कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ना, फॉर एग्जांपल, तो उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको करनी है और उसके लिए आपने सेलेक्ट किया कि टॉप 3 या 4 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो वो फिर सेलेक्ट करने के बाद उनको फिर आपको सर्च करना है canada.ca पे जाके, जो भी डेजिग्नेटेड कॉलेज की लिस्ट है, इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है, उसमें आपका कॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो अच्छा कॉलेज है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आ रहा होगा, अगर आप उनके लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो उससे थोड़ा नीचे वाले कॉलेज हैं वो सर्च करो। तो कुल मिला के बात यह है, आपको वही कॉलेज सर्च करने हैं, है ना, वही कॉलेज सर्च करने हैं जो कैनेडा गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट ने जिनको अप्रूव किया है डेजिग्नेटेड कॉलेज की लिस्ट में, केवल उन कॉलेज में से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आप आउटसाइड कैनेडा, सेकेंड पॉइंट हो गया आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, डेजिग्नेटेड लिस्ट है उसमें से सेलेक्ट करना है, और वहाँ से एक्सेप्टेंस वाली लेटर आपको ले लेना है। मतलब आपने अप्लाई किया वहाँ पे फीस पे की, उन्होंने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और आपके पास एक्सेप्टेंस का लेटर आ गया, तो आपके पास वो एक्सेप्टेंस का लेटर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि आपको एक GIC होनी चाहिए $10,000 की। GIC क्या होता है, जैसे इंडिया में फिक्स डिपॉजिट होता है ना, ऐसे यहाँ पे GIC टाइप कुछ फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के, मतलब वहाँ पे आप अपना पैसा अगर जमा करोगे तो 5 साल बाद आपको 2%, 2.5% की ब्याज से इकट्ठा कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है काफ़ी कम मिलती है। तो आपको 10,000 का GIC करवाना है कनाडा आने से पहले, स्टूडेंट वीज़ा बनवाना है, तो ये इसकी थर्ड कंडीशन है, ये होना ही चाहिए, है ना, कंपलसरी है यहाँ पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सोचोगे कि कैनेडियन डॉलर का, मैं इंडिया में रह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो इंडिया में कहाँ से बनवाऊँगा। इंडिया में कई बैंक हैं जो कनाडा के लिए स्टूडेंट्स के लिए बना के देंगे, जिनमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने जिनको अप्रूव किया हुआ है वो है ICICI बैंक, एक है HSBC, HDFC नहीं, HSBC, HSBC की कम ब्रांच होती हैं, लेकिन HSBC ब्रांच, HSBC है वो इंडिया में है, तो HSBC ब्रांच, या फिर स्टेट बैंक ऑफ कनाडा। तो अगर आप स्टेट बैंक से ही बात करेंगे जाके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात करेंगे तो भी शायद वो बनवा सकती है। तो ये 3 बैंक हैं जो इंडिया में
जो आपको बनवा सकती हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई रिलेटिव वगैरह है वो कनाडा में रह रहा है तो कनाडा के किसी भी बैंक से वो बन सकता है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको अपनी लोकल करेंसी इंडियन रुपीज़ है उसमें उनको कुछ पैसा दे सकते हैं और वहाँ से $10,000 का आप ये GIC है वो बनवा सकते हैं। तो आपके पास वो GIC होना कंपलसरी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर कोर्स पे डिपेंड करता है, अगर कोर्स के लिए मेडिकल रिक्वायर्ड है तो आपको वो मेडिकल करवा के रखना पड़ेगा, अगर उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो पुलिस वेरिफिकेशन अपनी कंट्री से आपको करवा के आना पड़ेगा, आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपकी जो भी लेटेस्ट डिग्री है या लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं, आपने बैचलर की हुई है वहाँ पे, तो बैचलर के ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, वो डिग्री जो अपने यहाँ इंडिया में मिलती है वो डिग्री यहाँ पे नहीं मांगते, ट्रांसक्रिप्ट्स मांगते हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स डिग्री ही होती है लेकिन वो आपको यूनिवर्सिटी से बोलना पड़ेगा कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए फर्दर स्टडीज़ के लिए, फॉरेन स्टडी के लिए, तो वो ट्रांसक्रिप्ट है वो बंद करके और उस पर सील लगा के जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी उस पर सील पे उसका स्टाम्प लगा हुआ होता है, तो वो आपको खोलना नहीं है, खोल के चेक नहीं करना कि इसके अंदर है भी या नहीं, वो डायरेक्टली आपको कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तब वो चाहिए होगा। अगर वो खुली होगी ना ट्रांसक्रिप्ट तो आपका सीधा के सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो भी ट्रांसक्रिप्ट आप लाओ उनको खोलना नहीं है, खोल के चेक नहीं करना है ना, ट्रांसक्रिप्ट आ गई उसको संभाल के रखना है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या चाहिए कि जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें जो भी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया है, जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया है वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की आपको फ़ीस पे कर देनी है, और उसकी जो रिसीट है वो आपको एज अ प्रूफ दिखानी पड़ेगी जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, तो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो और इसके अलावा क्या है, IELTS यहाँ पे कंपलसरी होता है, अगर आप कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश है वो एक्सपेक्ट करते हैं, आपको इंग्लिश बोलना आता है, आपको इंग्लिश लिखना आता है, आपको सारी जो फॉर्मेट्स हैं, रीडिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, ये सब फॉर्म में आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इसके लिए इसका कहाँ से चेक करेंगे, वो ऑब्वियसली वो चेक करते हैं IELTS से। तो आपको IELTS में हर फॉर्मेट में, चाहे वो रीडिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, है ना, हर एक में आपके मिनिमम 6 बैंड होने चाहिए, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए आपको जनरल मत दे देना कहीं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के लिए आ रहे हो तो आपको एकेडमिक IELTS देना पड़ेगा, तो एकेडमिक IELTS के लिए आपको अप्लाई करना है, और उसमें हर सेगमेंट में आपके 6 से ऊपर बैंड होने चाहिए, जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से ला सकते हो आपकी इंग्लिश अगर ठीक ठाक भी है तो ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो ये तो मस्ट हैं, ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लग रहा है या फिर इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए तो वो चीज़ें भी आपसे वो मांग सकता है, फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए वो आपसे अपील कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको और चाहिए। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार इकट्ठे हो जाएंगे तो इसका मतलब है आपके लिए जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो मटेरियल है वो पूरा आपके पास तैयार हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा लग गया है, ये सारी चीज़ें हो गई इसका मतलब है अब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक बार इकट्ठा कर लो, इसके बाद आप आराम से स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर ये सारी चीज़ें सही हैं आपके पास, आपका बाकी रिकॉर्ड कुछ ख़राब नहीं है, आपका सब कुछ एजुकेशन पिछली ठीक है, आपने कॉलेज अच्छा सेलेक्ट किया है, आपका सारा बैकग्राउंड चेक वगैरह सही है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका रिजेक्ट होगा। स्टूडेंट्स को वो प्रमोट करते हैं, स्टूडेंट्स को वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो ऑब्वियसली वो उनके कॉलेजों में भी फ़ीस भर रहे हैं तो उससे भी उनकी इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट है वो 2 साल का कोर्स ले रहा है, 3 साल का कोर्स ले रहा है, तो इतने साल तक वो यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली रेंट भी पे करेगा, खाना पीना भी खाएगा, और भी काफ़ी सारे खर्चे होंगे, तो इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ होगी। तो ये सारे फैक्टर हैं, तो हर कोई गवर्नमेंट चाहेगी कि लोग हैं उनके यहाँ, चाहे एज ए टूरिस्ट आएँ चाहे एज ए स्टूडेंट्स आएँ, तो वही कैनेडियन गवर्नमेंट का एम है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखोगे तो आपके चांसेस हैं कि आप कोई भी किसी भी आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आप वो चांस मिस नहीं करोगे। इसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ ये भी है, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आ रहे हो अपने साथ पेरेंट्स को भी लेके आ रहे हो कि मुझे ड्रॉप करने कनाडा आ रहे हैं, ये कुछ टाइम रहेंगे चले जाएंगे, नहीं। अभी कोविड के लिए अगर आपका स्टडी वीज़ा लग जाता है, अप्रूव भी हो जाता है, तो आपको अकेले आना है, एटलीस्ट फर्स्ट पहले आपको आना है, यहाँ पे आप कुछ महीने रहोगे तो फिर अपने पेरेंट्स को या फिर और किसी
भाई बहन को एज अ टूरिस्ट बुला सकते हो। तो अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा लग भी जाता है तो अपने साथ आप टूरिस्ट वीज़ा पे अपने पेरेंट्स को नहीं ला सकते, जस्ट बिकॉज कि मुझे साथ के लिए चाहिए, है ना, उस रीज़न से आप नहीं ला सकते। और वो जो बेसिक सी चीज़ है वो तो है ही कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको पहले 14 दिन है वो क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, 14 दिन क्वारंटीन रह लोगे, उसके बाद ही जो भी फर्दर प्रोसेसिंग है वो आप कर सकते हो। तो इसके लिए एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, एप्लीकेशन 2021 में कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ ने अभी लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आपके पास टाइम है, जिस भी कोर्स के लिए आप जाना चाह रहे हो आप सर्च करो, यूनिवर्सिटीज़ में सर्च करो कौन सा कोर्स आप लेना चाह रहे हो, किस प्रोविंस में लेना चाह रहे हो, और वहाँ पर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट उठा सकें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।